निशाल मेरी बेटी कैसी है? अब आइए आप, जब सब कुछ खत्म हो गया, तन्हाई और अकेलेपन ने मुझे पागल बना दिया। अब आइए आप, अब बचा ही क्या है मेरे पास? अपनी तन्हाई का शोक तो अकेले मनाया जाता है ना, तो मैं मना लूंगी। आप क्यों इसमें शरीक होना चाहती हैं मेरे साथ? प्लीज यहां से चली जाए, प्लीज यहां से चली जाए। बस करो निशा, ये माँ है तुम्हारी, माँ से बढ़कर कोई खैरख्वाह नहीं होता, कोई वेलविशर नहीं होता आपका। जैन तुम चुप करो, बिल्कुल चुप कर जाओ। तुम्हारी वजह से आज मैंने ये बच्चा खोया है, तुम्हारी बदसलूकी की वजह से। मैं तुम्हें ये बच्चा देना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें खुशियां देना चाहती थी, तुम्हारी नजर में कोई मकाम बनाना चाहती थी। आप लोग प्लीज यहां से चले जाए। कैसी तबीयत है बाप की? आपको दर्द तो नहीं है? मुझसे मेरा हाल पूछने आई हो या फिर मजाक उड़ा रही हो मेरा? निशाल, इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मेरी पेशेंट, और डॉक्टर्स अपने पेशेंट का मजाक नहीं उड़ाते। डॉक्टर? डॉक्टर होती तो आज मेरा बच्चा सलामत होता। क्यों किया तुमने ऐसा राबेल? इतना घटिया इंतकाम लिया तुमने मुझसे? तुम जानती थी ना कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो जैन तुम्हें तलाक दे देगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी डॉक्टरी का तो ख्याल किया होता, एक ही वार में तुमने अपने सारे बदले चुका लिए ना, अब अपने गुनाह का इकरार क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा ये सफेद लिबास दागदार हो चुका है राबेल, क्यों नहीं बोल देती? क्यों खड़ी हो इस तरह से खामोश? जाओ यहां से सब लोग। मिसेस निशाल, लगता है सदमे में आप बेहाल हो गई हैं और आप अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं है, वरना राबेल जैसी सच्ची और खरी इंसान के लिए आप इस तरह की बातें कह रही हैं। आपकी मालूमात के लिए, आपका इलाज मैंने और मेरी टीम ने किया था, राबेल ने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये सोच भी नहीं सकती कि एक नन्हे से वजूद को नुकसान पहुंचाऊं। हमने बहुत कोशिश की आपके बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन जो जहर आपने अपने वजूद में उतारा था उसकी वजह से आपका बच्चा जिंदा नहीं रहा। हकीकत यह है मिसेज निशाल कि आपने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मारा। चुके गए मिसेज निशाल कि राबेल की कोशिशों से ये पुलिस केस नहीं बना और आपका खानदान बदनामी से बच गया। द क्रेडिट गोज टू हर।